નમસ્તે પ્રિય દર્શકો, સ્વાગત છે તમારું મારી આ YouTube ચેનલમાં। હું ડૉક્ટર મિલનકુમાર ફરી એકવાર આપની સમક્ષ હાજર છું સાપ્તાહિક રાશિફળના આ વિડીયો સાથે। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરશું તારીખ 3 મે 2021થી લઈ 9 મે 2021 સુધીના સપ્તાહના દરેક રાશિના સાપ્તાહિક રાશિફળની। આ 7 દિવસમાં તમારા જીવનમાં શું ખાસ થવાનું છે અને કઈ વસ્તુથી તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે वगैरह विषयों पर आजना वीडियो में बात करशूँ। जो तमे पहली बार अमारी चैनल पर आव्या छो तो अत्यारे ज आ चैनल ने सब्सक्राइब करजो। आपणे जे राशि भविष्य की बात करवाना छीए ए तमारी चंद्र राशि पर आधारित रहेशे अने ग्रहोना गोचरना आधारे आ राशि भविष्य तैयार करवामां आवे छे। सप्ताहना तहेवारोनी जो बात करिए तो 7 मे ने शुक्रवारना रोज छे वरुथिनी एकादशी, 8 मे शनिवारना रोज छे प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रतनु शुं महत्व छे, आ दिवसे कई रीते पूजा विधि करवी जोईए वगैरह अंगे जो तमारे माहिती जोईती होय तो आ चेनल में डिटेल में एक विडियो अवेलेबल छे। आई बटन पर क्लिक करीने तमे ए विडियो जोई शकशो, तेमज आ विडियोना डिस्क्रिप्शन में पण तमने एनी लिंक मळी जशे। 9 मे अने रविवारना रोज छे मासिक शिवरात्रि। तो आ 3 तहेवार आ सप्ताह दरमियान आवशे। सप्ताह दरमियान 4 मेना रोज शुक्रदेवनु वृषभ राशि में गोचर थवानुं छे अने साथे ज चंद्रदेवनु गोचर तो दर 2.5 दिवसे थाय ज छे। तो चालो जोईए के शुक्रदेवनु वृषभ राशि में गोचर अने चंद्रदेवना गोचरनो दरेक राशिना जातकोने केवो प्रभाव जोवा मळशे, कया उपायों मददरूप बनशे वगैरह वगैरह। शरूआत करिए मेष राशि। तो मेष राशिना जातको तमारा सप्ताहनी शरूआत तमारा भाई बहनों साथे संबंध मजबूत बनवाथी थशे। एवुं कोई काम के ज्यां मित्रनी मददनी जरूर पड़े तो ए काम में तमारी मित्रताथी तमने लाभ थशे। परिवार में मांगलिक कार्यनु आयोजन थशे जेना कारणे घर में खुशीनु वातावरण जोवा मळशे। जो तमे लेखन कार्य साथे जोड़ायेला छो के पछी लेखन कार्य करवुं तमने गमे छे तो सप्ताहनो मध्य भाग तमने लेखन कार्य में प्रगति करावशे। संतानो बाबते तमारी चिंता हळवी थशे कारण के संतानो पोताना कार्य में प्रगति करशे। कोई मोटा निर्णयों लेता पहला तमारा घरना वडीलोनी सलाह अवश्य लेवी, तेमनी साथे तमारा आयोजननी चर्चा विचारणा करवी तमारा माटे फायदाकारक रहेशे। कारण वगरना खर्चा आ सप्ताहमां न करवा अने एक एक रूपियो समझी विचारीने ज खर्च करवो। हवे आवे छे वृषभ राशि। वृषभ राशिना जातकोनी जो बात करिए तो सप्ताह दरमियान पैसाने लगती समस्याओं हळवी थशे। घणा समयथी अटकेला नाणां मळी शके छे जेथी तमारी नाणाकीय चिंताओं दूर थशे। भाई बहनों साथे थयेलो विवाद पूरो थशे तेमज एकबीजाना विचारोने पसंद करशो जेथी भाई बहनों में प्रेम वधशे। सप्ताहनो मध्य भाग तमारा माटे वधु सारो रहेशे तेमज कोई खुशीना सारा समाचार मळी शके छे। जूना मित्रों साथे अणधारी मुलाकात थई शके छे अने आ मुलाकातथी तमारी जूनी मित्रता वधु गाढ़ बनशे। सीजनल बिजनेस साथे जो तमे जोड़ायेला छो तो आ सप्ताह तमारा माटे लाभदायी रहेशे। सप्ताहना अंते एटले के वीकेंडनो समय बने त्यां सुधी पोताना परिवार साथे वितावो तो तमारुं आ सप्ताह घणुं सारुं रहेशे। हवे आवे छे मिथुन राशि। मिथुन राशिना जातको जो तमे तमारुं सप्ताह सारी रीते पसार करवा मांगो छो तो कोईपण प्रकारना वाद विवादथी दूर रहेजो। मोसाळथी तमने लाभ मळशे। मोसाळना कोई व्यक्ति साथे जो तमे भागीदारीनो व्यवसाय करो छो तो पण तमारा माटे लाभदायी छे। सप्ताहमां कोईपण समये खुशीना सारा समाचार मळी शके छे, पछी ए व्यावसायिक होय के पारिवारिक। बने त्यां सुधी उत्तेजनाथी दूर रहेवुं अने स्वास्थ्य बाबते खास जाळववुं। आ सप्ताहमां तमारा पिताजीनी तबियतनुं खास ध्यान राखवुं। सप्ताह दरमियान तमने कोईपण समये जो पैसानी जरूर पड़शे तो तमने सरलताथी मळी रहेशे। हवे बात करिए कर्क राशिना जातकोनी। सफलता अने निष्फलता बंने एक ज सिक्कानी 2 बाजुओ छे। तमे जे वस्तुनुं सतत चिंतन करशो एवुं ज परिणाम तमने मळशे, माटे आ सप्ताह माटे बने एटलुं निराशाओथी दूर रहेजो, ए तमारा माटे फायदाकारक रहेशे। कोई नवा कार्यनी शरूआत करवा मांगता होय तो आ सप्ताहनो समय नवा कार्यनी शरूआत माटे अनुकूल छे पण एना माटे 2 वातनुं खास ध्यान राखवुं। एक तो उधारीना धंधाथी दूर रहेवुं अने बीजी वात ए के कर्ज करीने धंधा करवानुं साहस न करवुं। नवा कार्यनी शरूआत तमारा पोताना जोखम पर अने पोतानी हिम्मतथी ज करजो। मित्रों पासे सहकारनी अपेक्षा राखशो तो एमां लाभ थशे। तमारा मित्र वर्तुळनो तमारा काममां सहकार मळशे। सप्ताह दरमियान पेटना दुखावानी फरियाद रहेशे। बने त्यां सुधी बिनजरूरी खर्च न करवा। हवे बात करिए सिंह राशिना जातकोनी। सप्ताहनी शरूआत तमारा माटे अनुकूल रहेशे, पण जेम जेम सप्ताह पसार थाय तेम तेम शरीर वधारे साचवू, नहींतर स्वास्थ्य बगड़ी शके छे। बने त्यां सुधी पोताना कामथी ज काम राखवू, वगर कारणनी चर्चाओमां न पड़वू। शेर बजारमां रोकाण करवा माटे आ सप्ताहनो समय तमारा माटे सारो छे। शेर बजार तमने अवश्य फायदो करावशे। नौकरियात वर्गना लोकोने समग्र सप्ताहनो समय सारो रहेशे। दाम्पत्य जीवन में नानी मोटी बात ने लीधे मतभेद थवानी शक्यता है। तमारा निर्णयों के नवा आयोजन में परिवारना दरेक सभ्यों सहयोग मळशे। हवे आवे छे कन्या राशि। तमारा कार्य ने लगती तमारी नवी योजनाओं में तमे धारेली सफलता मेळवी शकशो। स्वास्थ्य तेमज पैसा ने लगती परिस्थिति में धीमे धीमे सुधारो थतो जोवा मळशे। ससरा पक्ष तरफथी पण तमने लाभ मळशे। व्यवसाय के करियर ने लगता तमारा निर्णयों में मन अने मगज में गूंचवण ऊभी थशे, पण तमारे तमारा निर्णय में मक्कमता बतावी पड़शे तो ज धारेली सफलता प्राप्त करी शकशो। नौकरियात वर्ग ने नौकरी में ट्रांसफर मळवाना पण योगो बने छे। मुख्य व्यवसाय सिवाय जो अन्य कोई आवकनो स्रोत छे तो एमांथी सारी एवी इनकम आ सप्ताह में मळी शके छे। सप्ताह दरमियान बने एटलो पोतानी वाणी उपर संयम राखवो। हवे बात करिए तुला राशिनी, तो सौथी पहला आवे छे नौकरियात वर्गनी वात। तो आवा जातकोने नौकरी में सफलता मळशे। तमने सोंपायेला कार्यों समयसर पूरा करी शकशो, जेथी नौकरी में तमारा पद अने प्रतिष्ठा में वधारो थशे। सप्ताह दरमियान तमारी भाग्यरेखा मजबूत रहेशे अने भाग्यनो साथ सतत मळतो रहेशे। आनी साथे ज सप्ताह में नानी मोटी मुसाफरी थवाना पण योगो छे। विद्यार्थी वर्गने अभ्यास क्षेत्र में प्रगति थती जोवा मळशे। सप्ताह दरमियान प्रसंगोपात खर्च पण थता रहेशे। नौकरी करता जातकोने पोतानी नौकरी में उच्च अधिकारीओ तरफथी पूरती मदद मळती रहेशे, जेथी तमारा घणा अटकेला कार्यों तमे सहेलाईथी पूरा करी शकशो। हवे आवे छे वृश्चिक राशि। तमारा भागीदार आर्थिक तेमज मानसिक समस्याओनो सामनो करी रह्या होय तो एमने सहकार अवश्य आपो। तमारा पोताना आयोजनोमां सफलता मळशे, तेमज घणा समयथी अटकेला कार्यों आ सप्ताहमां पूरा थशे। साथे साथे तमारुं मन सर्जनात्मक कार्यों तरफ दौराय अने एवा काममां तमारी रुचि वधे। आ सप्ताहमां तमारा मोसाळ तरफथी तमने पूरेपूरो सहकार पण मळशे अने एना थकी लाभ पण मळशे। वेपार तेमज अन्य कामने लगता निर्णयों तेमज आयोजनोमां मित्रोनुं समर्थन प्राप्त थशे। आ सप्ताहना उपायनी वात करीए तो समयनी अनुकूलता अनुसार जरूरियातमंद लोकोनी सेवा करवी तमारा माटे खूब ज फायदाकारक रहेशे। हवे बात करिए धनु राशिना जातकोनी, तो सप्ताह दरमियान नाणाकीय बाबत में खास जाळवू, नहींतर आर्थिक नुकसाननो सामनो करवो पड़ी शके छे। नाना मोटा प्रवासोनुं आयोजन पण थई शके छे अने आ प्रवास दरमियान तमने लाभ पण मळशे। लांबा समयथी जॉब शिफ्टिंग एटले के नौकरी बदलवानुं जो विचारी रह्या छो तो आ सप्ताहनो समय एना माटे घणो अनुकूल छे। वेपारीओ आ सप्ताह में पोताना व्यवसायनो विकास थई रह्यो होय एवो अनुभवशे। अने जो तमे भागीदारी व्यवसाय में छो तो तमने आ सप्ताह में भागीदारथी लाभ प्राप्त थशे। स्वास्थ्य प्रत्ये थोड़ी पण बेदरकारी जोखम ऊभुं करी शके छे, माटे स्वास्थ्य संभाळवुं। उपायनी वात करीए तो शिवजीनी पूजा करवी ए तमारा माटे खूब ज फायदाकारक रहेशे। हवे आवे छे मकर राशि। सौथी पहला वात करशुं विद्यार्थी वर्गनी। सप्ताह दरमियान विद्यार्थी वर्ग ने भणवामां ओछी रुचि रहेशे। मकर राशिना जातको आ सप्ताह में तमारा द्वारा एवा कार्यों थशे जे तमारा आत्मविश्वास में वधारो करशे। सप्ताह दरमियान पैसा ने लगता प्रश्नोंनो सामनो करवो पड़ी शके एम छे। भाई भांडू साथेना कौटुंबिक प्रश्नों ने लीधे चिंता सताव्या करशे, पण एना कारणे कुटुंब में अशांतिनो माहौल न सर्जाय एनुं खास ध्यान राखवुं अने कौटुंबिक शांति जाळववी। वेपार रोजगार ने लगता प्रवास थई शके छे। आ सप्ताह माटे तमने एवी सलाह आपवामां आवे छे के कोईना उपर वधु पड़तो विश्वास न करवो। आ विश्वास तमारुं नुकसान करावी शके छे। हवे आवे छे कुंभ राशि। आ जातकोना सप्ताहनी शरूआत ज भाई बहनोना सहकार मळवाथी थशे, જેથી તેમની સાથે તમારા સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે। તમારી નજીકના વ્યક્તિઓ માટે ગેરસમજ થાય અને એના લીધે સંબંધ પણ બગડી શકે છે, માટે આવી ગેરસમજથી દૂર રહેવું। વિદ્યાર્થી વર્ગને અભ્યાસમાં પ્રગતિ થતી દેખાય જેથી તેમના મન પ્રફુલ્લિત રહે। નવા મકાનની ખરીદીનું આયોજન લાંબા સમયથી જો કરી રહ્યા હોય તો એવા જાતકો માટે આ સપ્તાહનો સમય અનુકૂળ છે। ઘર પરિવારમાં માંગલિક પ્રસંગોનું આયોજન થાય। દગો નથી કોઈનો સગો આ કહેવત મનમાં રાખી વિશ્વાસઘાતથી બચવું। સપ્તાહના અંતના ભાગમાં ભવિષ્યની ચિંતા સતાવશે। હવે વાત કરીએ આજની અંતિમ રાશિ એટલે કે મીન રાશિના જાતકોની। સંતાનોને લગતા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવશે અને તમારા સંતાનોની પ્રગતિ થશે। ઘણા સમયથી અટકેલા તમારા કાર્યોમાં પ્રગતિ દેખાય અને મહત્ત્વની કામગીરી પૂર્ણ થાય। સપ્તાહ દરમિયાન નવી મિલકતની ખરીદી કે કોઈપણ જાતના રોકાણને લગતા એગ્રીમેન્ટનું કામ કરવાના હોય તો એવા કામ ખાસ જાળવીને કરવા। વ્યવસાય માટે લોન કે કર્જ લેવાનું વિચારી રહ્યા હો તો એ નિર્ણય મોકૂફ રાખવો। સપ્તાહ દરમિયાન જમવા પ્રત્યે અરુચિ જેવું લાગી શકે છે, પણ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે સમયસર ખાઈ લેવું। તો આ હતું તારીખ 3 મે 2021થી લઈને 9 મી મે 2021 સુધીના સપ્તાહનું દરેક રાશિનું સાપ્તાહિક રાશિફળ। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર અવશ્ય કરજો। વિડીયોને લગતા અન્ય કોઈ પણ અભિપ્રાય આપવા માટે કમેન્ટ અવશ્ય કરજો। જો તમારે તમારા પોતાના માટે કે અન્ય કોઈ પણ માટે જન્મકુંડલી બનાવવી હોય કે પછી જન્મકુંડલી બતાવવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન પર બતાવેલા નંબર પર અત્યારે જ સંપર્ક કરવો। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી નમસ્તે।